BRMGSS यानी कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग कब होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कमेंट भी आ रहा है कि आखिर ज्वाइनिंग कब से होगी, ज्वाइनिंग कब से होगी। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य में। फ्रेंड्स, BRMGSS से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक निवेदन यह है कि आप लोग जो है अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप लोग जो है आपको जो है यह वीडियो समझ में आएगा। वरना फ्रेंड्स, आप लोग जो है अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं और जो फिर समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि ज़्यादा प्रश्न यह बना हुआ है कि BRMGSS भारतीय रेलवे मालिक गोदाम श्रमिक संघ में ज्वाइनिंग कब से होगी। तो इसके लिए मैं बता दूँ कि फ्रेंड्स देखिए, ज्वाइनिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी प्राइवेट कंपनी या सरकारी जॉब अगर कोई अप्लाई करता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होती है कि जॉब किस बेस पे निकाला गया है, या जॉब जो है मतलब कितने इसमें भर्तियां निकाली गई हैं, किस बेस पे इसमें मतलब जो है इसमें लड़कों का जो है इसमें लिया जाएगा। उसी प्रकार जो है इसमें भी BRMGSS में भी इसमें भी जो है कुछ क्राइटेरिया रहेगी। मैं इसमें बता दूँ तो क्राइटेरिया रहेगी जो कि आयोग खुद तय करेगा। जो भी इसमें भर्ती करने वाले हैं, आयोग जो है खुद इसमें तय करेगा किस आधार पर इसमें भर्ती होने वाली है। फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं सिर्फ सरदार मुंशी की बात करने वाला हूँ। जी फ्रेंड, तो इसमें किस आधार पर ये तय होगा कि वह मतलब इसमें जो किस क्वालिफिकेशन पर मुंशी की भर्ती किया जाएगा और किस क्वालिफिकेशन पर इसमें सरदार की भर्ती किया जाएगा। इसमें जो है यानी कि अगर आपसे 8वीं का या 10वीं का या 12वीं का या ग्रेजुएशन का इसमें सर्टिफिकेट आपको जो है मांगा जा सकता है। अलग अलग क्वालिफिकेशन भी अलग अलग पोस्ट में इसमें रहेगा, किस पोस्ट पे किसको रखना है ये आयोग खुद तय करेगा। मतलब बिना जो है क्वालिफिकेशन के इसमें भर्ती नहीं होगी, ये आप लोग जो गांठ बांध करके याद कर लीजिएगा। इसमें क्वालिफिकेशन मांगेगा ही मांगेगा, तो ये सब खुद जो है इसमें आयोग तय करेगा। तो भाई साहब, इसका भी कुछ नियम या इसमें जो है कहिए कि इसमें रोस्टर तैयार करना पड़ेगा आयोग को। तो रोस्टर तैयार करने में तो कुछ ना कुछ समय इसमें लगेगा और बीच में आपको पता है कि इसमें जो है मीटिंग भी होने वाली है, तो इसमें फ्रेंड्स थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ऐसे में जब 15 मार्च को जो है यहाँ पे जब मीटिंग हो जाती है तो फ्रेंड्स पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है यहाँ पे भर्ती या ज्वाइनिंग जो भी है वो कब से होने वाली है या कब से होगी या किस क्वालिफिकेशन पर किस पोस्ट को रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ज्वाइनिंग कब से होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँगी, क्लियर ये कर दूँ कि इसमें ज्वाइनिंग जो है जब तक इसमें रोस्टर तैयार नहीं होगा कि इसमें किस क्वालिफिकेशन में किसको रखा जाएगा, तब तक इसमें भर्ती अभी नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय जरूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।